अरे चंचरी देख, नारायण स्मरण कर रहा है, नारायण 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 आशीर्वाद चाहती है मुनि तथा तथा नारद जी को प्रणाम किया तथा अस्तुवत्स महारानी, आज तक इन पैरों ने कभी तो विराजना सीखा ही नहीं, अगर मैं बैठ जाऊं तो ये तीनों लोगों की खबर नारायण हरि तक कौन पहुंचाएगा। नारायण नारायण लेकिन आपके चेहरे पे चिंता क्यों महारानी, आखिर क्या बात है? मुनिवर आज मैंने प्रातः काल में एक बहुत ही दुखद स्वप्न देखा। सपना? कैसा सपना देवी? मुनिवर मैंने स्वप्न में देखा कि एक क्रोधी ऋषि मेरी ओर लाल आंखें किए हुए देख रहे हैं, फिर देखा कि स्वयं महाराज राह में भिखारी बने घूम रहे हैं, और देखा कि पुरोहित को नाग ने डस लिया है। नारायण नारायण, सब कल्याण होगा देवी, चिंता की कोई बात नहीं। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई मुनिवर। अभी ना समझना ही अच्छा है। नारायण नारायण, क्यों रोहित तूने भी कोई सपना देखा क्या? हाँ नारद जी, मैंने भी एक सपना देखा, अपने विष्णु सर पे मुकुट और एक हाथ पे चक्र और दूसरे हाथ पे शंख लिए हुए थे, और जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ने चाहा वो छुड़ा के भाग गए और मैं झूलने पे से नीचे गिरी। नारायण नारायण, अपने विष्णु छुड़ा कर भाग गए, ना ही तो किसी को छोड़कर भागते हैं और ना ही किसी को छोड़ते हैं। अगर नारायण हरि जी ने छोड़ दें तो फिर उसका अस्तित्व ही क्या रह जाए। नारायण नारायण, सपना तो सपना होता है देवी, और सत्य सत्य होता है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप इस विषय पर ज्यादा चिंता ना करें, जो भी होगा सब नारायण हरि के कृपा से ही होगा। नारायण नारायण। महारानी जी, महाराज तथास्तु। महाराज अभी चर्चा में है, दो घड़ी बाद आएंगे महारानी जी। ठीक है पुंडरीक। क्यों रे पुंडरीक, आजकल तुम्हारे महाराज काफी धर्म कर्म के काम कर रहे हैं। अब क्या, ये तो बहुत पहले से ही धर्म कर्म में लगे रहते हैं, ऐसा महाराज या राजा कोई है पृथ्वी पर? हाँ वो बात तो है। ठीक है महारानी, अब मैं चलूंगा और उधर सरयू किनारे ही महाराज से भी दर्शन करूंगा। नारायण नारायण। चंचरी, अरे ओ चंचरी, अरे यहाँ के दासियों का तो वो हाल है ना, ये सब काम है दासी का और ख्वाब देखती है महारानी का, कोई सुनता ही नहीं है मेरा, क्या करूं, इधर दिया जलाना है, उधर रोहित को खिलाना है, सब काम मेरे ही जिम्मा है। आ,